Hello guys, welcome to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are finance safe. तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, मैं बात करूँगी 3 years लॉ के बारे में, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, वहाँ पर 5 years लॉ भी आ चुकी है, उसकी वीडियो भी मैंने करी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. बट आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 years लॉ के बारे में, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और फीस कितनी है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, सबसे पहले तो मैं बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आपकी एडमिशन होती है वो है CUET PG है उस एग्ज़ाम का नाम, और उसका जो कोड है वो है COQP11. ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी कर रखी हैं, तो मैं प्लेलिस्ट जो है आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं. देखिए, यहाँ पर LLB कोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, आपकी ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर, पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर 12th के लिए नहीं है 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, या आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप एलिजिबल होते हो. ग्रेजुएशन में ओवरऑल अगर अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए. OBC, CW, PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स, SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, राइट. उसके बाद आपका अगेन जैसे मैंने बताया था कि जो एग्ज़ाम होता है वो CUET PG, दैट इज COQP11 जो कोड है उसके थ्रू होता है. देखिए, CUET PG के अंदर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपको कोड पता होना चाहिए, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस मिलता है. ठीक है ना, तो ये और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरते हो. तो अगर आप DU का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो COQP11 CUET PG. ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम होता है इस बार 2024 की आपकी डेट्स आ चुकी हैं, मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. एंड उसके बाद सिलेबस जो है उनकी वेबसाइट पे सिलेबस की वीडियो मैंने भी कर रखी है, जिसमें आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो वो भी देख सकते हैं आप. ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन, ये सब कुछ है यहाँ पर, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं. फीस जो है यहाँ पर बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन करी हुई है. ठीक है, फॉर फी फॉर PWD स्टूडेंट्स इज ₹1503 एंड फी फॉर अदर्स इज ₹6010. ठीक है ना, ये है शेड्यूल ऑफ फीस इनका, तो इससे आपको एस्टिमेट हो जाता है. अगर आपको प्रिपरेशन वाली वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो आप www.loggery.in पर जा सकते हैं, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय, टेक केयर. सब्सक्राइब कर लेना और अपडेट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. बाय.